हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरएसी टिकट के बारे में कि इंडियन रेलवे में टिकट बुक करते समय ये आरएसी क्या है, आरएसी क्या आता है। तो काफ़ी लोगों के क्वेरी भी थी कि आरएसी टिकट क्या होता है, ये कन्फर्म कैसे होता है, इसमें कोच नंबर और सीट नंबर कैसे मिलता है। आरएसी से रिलेटेड सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आरएसी टिकट बुक कैसे होता है। तो आरएसी टिकट बुक करने की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में टिकट सर्च करते हैं और अवेलेबल टिकट अगर सारे बुक हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आरएसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको जो टिकट मिलेगा वो आरएसी मिलेगा और आरएसी फुल हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट टिकट मिलता है। तो इसको बुक करने के लिए कोई अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। अब मान लीजिए आपने आरएसी टिकट को बुक कर लिया। काफी लोगों की क्वेरी रहती है कि मेरा आरएसी टिकट हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपकी इस क्वेरी को सॉल्यूशन कर देता हूं कि अगर आपका आरएसी टिकट है तो वो एक कंफर्म टिकट है। आप ये मत डरिए कि उसमें आपको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा या आपको कोच नंबर नहीं मिलेगा या सीट नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने आरएसी में बुक कर लिया, चाहे वो आरएसी 200 पर ही क्यों ना बुक किया हो, आरएसी का मतलब आरएसी होता है। चाहे आरएसी आपका टिकट 1 पर हो या 200 पर हो, आपको समान नियम लागू होंगे। अगर आपने आरएसी 200 में भी टिकट बुक किया है तो भी आपको हाफ सीट मिलेगा और आपका चार्ट के टाइम आरएसी 1 पर भी रह जाता है तो आपको हाफ सीट मिलेगा। मतलब आरएसी में हाफ सीट मिलता है, जो साइड लोअर बर्थ होता है खिड़की वाली, जहां पर दो सीटें होती है उसमें नीचे वाली सीट आरएसी को अलॉट की जाती है। उसमें एक पूरी सीट पर दो पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें आराम से आप बैठ सकते हैं। और अगर एडजस्ट करके सोना चाहते हैं दोनों ही पैसेंजर तो सो भी सकते हैं, वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो आरएसी में ये है। और अगर मान लीजिए आपने आरएसी टिकट बुक कर लिया है तो काफी लोग ये परेशानी में रहते हैं कि मैंने आरएसी बुक तो कर लिया है पर इसमें आरएसी 44 दिखा रहा है, मेरा कोच नंबर कौन सा है, मेरा सीट नंबर कौन सा है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, ट्रेन का चार्ट बनता है 4 घंटे पहले। जिस स्टेशन से ट्रेन चलती है उसके 4 घंटे पहले वहां पर चार्ट बनता है, जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वहां से आप पता लगा सकते हैं कि आपका आरएसी में कौन सा तो कोच नंबर है और कौन सा सीट नंबर है। एक ट्रेन मैन के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट है, मतलब काफी माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका टिकट आरएसी में है, आपका कौन सा कोच नंबर और कौन सा सीट नंबर है। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वहां पर जो रेलवे के काउंटर होते हैं वहां पर आप अपनी टिकट को दिखा सकते हैं। वो पीएनआर सर्च करके आपको बता देंगे, लिख के दे देंगे कि आपका टिकट आरएसी में ही है या आपका कन्फर्म हो चुका है, और आपका कोच नंबर और सीट नंबर वो आराम से लिख कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटा सा एक वीडियो था जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि आरएसी क्या होता है। आरएसी एक कन्फर्म टिकट होता है, और अगर आपका टिकट आरएसी में रह भी जाता है तो आपको हाफ सीट मिलता है। पर काफी बार मैंने देखा है कि आरएसी क्लियर हो जाता है और फुल सीट भी आपको मिल जाता है, पर अगर आपका आरएसी में भी टिकट है तो आपको हाफ सीट पक्का है। तो आज के इस वीडियो में बस यही जानकारी मुझे देनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।